महंगे साबित हो सकते डॉक्टर राजन सुशांत भाजपा व कांग्रेस के लिए। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने फतेहपुर में उपचुनाव 2021 में दोनों शीर्ष पार्टियां भाजपा व कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। इसके साथ साथ दोनों पार्टियों के नेताओं की नींद भी उड़ा दी है। डॉक्टर राजन सुशांत का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान पिछले काफी समय से चलता है और लोगों का इस बार भरपूर भी मिल रहा है। यही वो शख्स है जिसने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से 4 बार जीत दर्ज करवाई। जैसे राकेश पठानिया जब जब उनकी टिकट भाजपा हाईकमान ने काटी तब तब भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सका और राकेश पठानिया आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते रहे। 2009 से कांगड़ा चंबा के सांसद बने सुशांत, उसके बाद निरंतर भाजपा पार्टी से इनके मनमुटाव चलते आ रहे थे तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजन सुशांत ने आजाद रूप से चुनाव लड़ा था जिसका हार का सामना करना पड़ा था। डॉ राजन सुशांत ने कस्बा धमेटा में आज अपनी उपचुनाव की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 विधानसभा के चुनाव में फतेहपुर के एक पैराशूट नेता ने कहा था कि फतेहपुर के विकास के लिए 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ की योजनाएं ला सकता हूँ। आज दिन तक दिखाए गए यह सपने जुमला ही साबित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बन रही बिजली पैसों से मिल रही है, दिल्ली राज्य में बिजली मुफ्त मिल रही है, बड़े शर्म की बात है। फतेहपुर में विकास काफी समय से रुक गया है। प्रदेश सरकार ने विकास तो क्या करवाना, जो कार्यालय हमने अपने कार्यकाल में फतेहपुर में खोले थे उन कार्यालय को फतेहपुर से शिफ्ट कर दिया। फतेहपुर की जनता को अब दोनों पार्टियां जितना मर्जी लालच दे लेकिन अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। इस उपचुनाव में जनता दोनों बड़ी पार्टियों को सबक सिखाएगी। तदुपरांत पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस मौके पर ग्राम पंचायत धमेटा की प्रधान कविता शर्मा, पंचायत बाड़ी की प्रधान आशा देवी, कुटबासी उपप्रधान सुनील, रिटायर्ड एसडीओ कुलजीवन डोगरा, बिजली विभाग के रिटायर्ड एसडीओ राम प्रसाद, रिटायर्ड ट्रेजरी अफसर राम शर्मा और कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार भी और बीजेपी की सरकार भी एक साल में कितने लोगों को रोजगार देती है? केवल 3000 को। 3000 को। अब सब पढ़े लिखे हैं, अगर 13 लाख बेरोजगारों में से 1% को भी अर्थात 100 में से 1 को भी रोजगार देना हो तो 13 लाख में से 13000 बनता है। लेकिन ये 13000 भी नहीं देते हैं, 3000 देते हैं, 1% का भी चौथा हिस्सा अर्थात 0.25%। अब इस दृष्टि से अगर रोजगार मिलेगा तो 400 साल लगेंगे 13 लाख लोगों को रोजगार देने में और 400 साल में ये 13 लाख नौजवान कम से कम 10 बार पैदा हो चुके होंगे द्वारा द्वारा मरने के बाद। मोदी लाइफ बहुत ज्यादा थी, इस बार मैंने अपनी पार्टी बनाया हिमाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय दल और उसका नाम रखा है HBHB अर्थात हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, ये नाम रखा है मैंने। मैं जरा नारा बनाना चाहता हूँ ताकि आपके मुंह पर चढ़ जाए, मैं HBHB बोलूंगा तो आपने कहा जिंदा। से आपका फैसला टीवी के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट।